अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। आप देख रहे हैं कुकिंग विद उज़्मा बाबर और मैं हूं आपकी होस्ट उज़्मा बाबर। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए लाजमी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ एक बेल आइकन है, इसे भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच जाए। आज हम आपके साथ प्लेन मफिन्स की रेसिपी शेयर करेंगे। प्लेन मफिन्स बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स आपको चाहिए वो नोट कर लें। प्लेन फ्लावर है हमारे पास यहाँ, ये तकरीबन 250 ग्राम। कप्स में अगर देखा जाए तो ये 2 कप मैदा होगा हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास यहाँ ये पाउडर शुगर है जो हमने घर में ही तैयार की है। वज़न इसका देखा जाए तो 125 ग्राम है और नाप देखा जाए तो ये तकरीबन 1 कप के करीब है। इसके अलावा हमें चाहिए 2 अदद अंडे, ये बड़े साइज़ के 2 अंडे हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप 3 अदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए दही तकरीबन 3 टेबल स्पून। मेल्टेड बटर है हमारे पास यहाँ ये 150 ग्राम, तकरीबन 1 कप के करीब ये होगा। 1/2 टीस्पून हमारे पास यहाँ ये वनीला एसेंस है। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है और 1/4 टीस्पून हमारे पास यहाँ ये नमक है। अब सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्टिप कर लेते हैं। मैदा ऐड करेंगे, पाउडर शुगर ऐड करेंगे, नमक और बेकिंग पाउडर। इन सब को अच्छा सा स्टिप कर लेते हैं। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने स्टिप कर लिया है, अब इसको हम साइड में रखेंगे। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम अपना ओवन प्रीहीट कर लेते हैं 180 डिग्री फॉरेनहाइट और 360 डिग्री सेंसियट पे आप अपना ओवन प्रीहीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हमने मफिन्स बनाने के लिए अपना मोल्ड भी रेडी कर लिया है। मोल्ड के ऊपर इस तरह का ये जो पेपर है वो हमने लगा लिया है और इस पेपर के ऊपर हमने हल्का सा बटर लगाकर इसको भी ग्रीस कर लिया है। अब एक दूसरा बोल लेंगे, बोल के अंदर मेल्टेड बटर ऐड करेंगे, वेनीला एसेंस भी ऐड कर लेते हैं, दही ऐड करेंगे और अंडे भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब इन तमाम अज्जा को हम बीटर की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ये थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाएंगे और बीटर को मुसलसल इस तरह चलाते रहेंगे। मफिन्स का बैटर बस अब रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। बस अब ये तैयार है, अब इसको हम अपने इस मोल्ड में शिफ्ट कर लेते हैं। अब इस बैटर को हम चम्मच की मदद से इस मोल्ड में डाल लेते हैं। ओवरफिल नहीं करेंगे, अगर ओवरफिल कर दिया तो फिर जब ये फूल के बाहर आएंगे तो ये फिर हमारे मोल्ड से बाहर आ जाएंगे और फिर वो अच्छे नहीं लगते। बस तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमने ये बैटर ऐड किया है। इस तरह मैं तमाम डाल के तैयार कर लेती हूँ। मफिन्स अब रेडी हैं बेक होने के लिए। इसको हम 10 से 12 मिनट ओवन में बेक करेंगे और जब इस पर अच्छा कलर आ जाएगा तो हम इसको बाहर ले लेंगे। मफिन्स अब तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और फाइन इसका कलर आ चुका है। अब इसको हमने ठंडा होने के लिए यूं ही छोड़ देना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे मुकम्मल तौर पे तब इसको हम सर्व करेंगे। मफिन्स अब सर्विंग के लिए तैयार है। मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी हमारे मफिन्स तैयार हुए हैं।
शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे स्पेशली इसको बहुत लाइक करेंगे। आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।